कोरिया जिले के शिवपुर नगर पालिका में 12 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष लाल मुनि यादव के विरोध में लगे अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को फैसला आ गया है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत पड़े हैं, जबकि अध्यक्ष लाल मुनि यादव के पक्ष में मात्र 3 मत पड़े हैं। आपको बता दें कि 15 पार्षद वाली नगर पालिका में 8 पार्षद कांग्रेस और 5 पार्षद भाजपा एवं 2 निर्दलीय पार्षद जीत कर आए थे, जिसके कारण कांग्रेस की पार्षद लाल मुनि यादव को अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 12 अगस्त को 3 कांग्रेस और 2 भाजपा के पार्षद ने अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव को आवेदन दिया, जिसके लिए प्रशासन ने अपर कलेक्टर अंकिता सोम को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए 23 अगस्त को फ्लोर टेस्ट कराने की जिम्मेदारी दी। वहीं जब 23 अगस्त को फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई तो 11 बजे से ही कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी समेत स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पूरी तरह से सक्रिय नजर आए और सुबह से प्रक्रिया पूरी होने तक शिवपुर चर्चा नगर पालिका में जमे रहे। वहीं जब प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट सामने आया तो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी शुरू कर दिया गया, जबकि कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी नजर नहीं आया। चर्चा के उपाध्यक्ष और अन्य 4 पार्षदों द्वारा कलेक्टर महोदय को अविश्वास प्रस्ताव बुलाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके तारतम्य में मुझे पीठासीन अधिकारी बनाया गया और 12 अगस्त को मैंने पार्षदों को बुलाने के लिए संसूचना जारी की और जिसका आज हमने सम्मेलन रखा था 23/8 को, और हमने देखा कि यहाँ पर टोटल 15 पार्षद हैं अध्यक्ष को मिला करके, और फिर मतगणना जब हमने स्टार्ट किया तो उनको 2/3 बहुमत चाहिए था इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए। मतगणना में सभी 15 के 15 पार्षदों ने भाग लिया और परिणाम आने के पश्चात हमने देखा कि 12 वोट जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 3 वोट जो है विपक्ष में पड़े। इस प्रकार जो है नगर पालिका अध्यक्ष हैं लाल मुनि यादव, अब वो अपना विश्वास जीत नहीं पाई और अविश्वास पास हो गया 12 मतों से। केवल चर्चा ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में नगरी निकायों में कोई विकास नहीं किया और कांग्रेस के जिस प्रकार से नगरी निकायों के प्रति उदासीनता रहा, प्रदेश की पूरी जनता उससे त्रस्त थी। और आज जो चर्चा में जनता ने अपने पार्षदों को भी नगर के विकास नहीं होने पर कांग्रेस से नाता तोड़ने के लिए कहा, और आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के भी सदस्यों ने हटाने के लिए वोट किया है, ये कांग्रेस की हार है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे प्रदेश में ही है। भाजपा को बड़ी सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अहंकार का परिणाम बुरा होता है। घड़ा कब जब पाप भर जाता है ना तो घड़ा जल्दी फूटता है, वही हुआ चर्चा में। अहंकारी पूरा था, न पार्षदों से पूछना, न किसी काम के बारे पूछना, मनमाना हिटलर शाही। पत्नी है अध्यक्ष और पति महाअध्यक्ष, करता था पति सब, इसलिए इसका परिणाम बुरा हुआ। ये कानाशाही के चलते लोगों का जो पार्षद जिसका जो उम्मीद पे आज तक अपने वार्ड में एक भी विकास कर नहीं पाया, 2.5 साल बीतने को है, तो भाई हमको जनता को भी तो जवाब देना है भाई, अपना चुनाव भी देखना है। जनता बोले 2 साल 2.5 साल हो गया, अभी तक तो कोई काम नहीं हो पाया है, एक ईंटा भी नहीं लग पाया था, इस चलते सब लोग तानाशाह के चलते परिवर्तन कर दिए एकजुट होकर।